दोस्तों, अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय से तालिबानियों का रूल है। प्राचीन समय से ही इस देश की हालत बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण भी ये देश तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज भले ही अफगानिस्तान की कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन हजारों साल पहले इस देश में ऐसी सिविलाइजेशन रही होगी जो काफी उन्नत और एडवांस थी। उन लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जानकारी रही होगी। अफगानिस्तान देश अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ कई जगह हॉन्टेड और खौफनाक हैं, तो कई बार जायंट ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसे मॉन्स्टर्स देखे जाने की बात भी सामने आ चुकी है। इस शहर की मिस्ट्रीज के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए अफगानिस्तान के रहस्यों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। शहर है घोलघोला। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला की घाटियों में एक ऐतिहासिक शहर हुआ करता था, शहर है घोलघोला। ये एक अच्छा शहर माना जाता था, लेकिन आज इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ पर अक्सर चीखने और चिल्लाने की और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस कारण इस शहर को अब सिटी ऑफ स्क्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का इतिहास काफी खौफनाक है। असल में 13 सेंचुरी तक ये एक आबाद शहर हुआ करता था, लेकिन तभी मंगोल इन्वेशन के दौरान चंगेज खान की आर्मी ने इस शहर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने शहर में कत्लेआम मचा दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, किसी को भी उसकी सेना ने नहीं बख्शा था। हंसते खिलखिलाते शहर को उजाड़ कर शमशान घाट में तब्दील कर दिया था। कहा जाता है कि जिन लोगों की यहाँ मौत हुई थी, उनकी आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली है। यहाँ आज भी लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। अक्सर टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जितने उत्साह के साथ वो यहाँ जाते हैं, उतने ही खौफ के साथ वापस लौट आते हैं। यहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब एहसास होने लगता है। आसपास आत्माओं के मंडराने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया हो या फिर कोई उनका पीछा कर रहा हो। यहाँ सेना के घोड़ों की, तलवारों की और लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देना काफी कॉमन है, और ये सब एहसास बिल्कुल असली लगते हैं। पिछले 800 सालों से ये शहर पूरी तरह से वीरान है। कई बार लोगों को यहाँ अजीब साये भी नजर आए हैं। कोई उसे साये के जिन्न के नाम से जानता है, तो कोई उसे भूत बताता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ अजीब एक्टिविटीज को नोटिस किया है। आज ये अफगानिस्तान की सबसे खौफनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ऑब्जर्वेशन रॉक पोस्ट। इस जगह की कहानी भी अपने आप में बहुत खौफनाक और डरावनी है। 30 फीट की ऊंचाई पर बनी यह जगह अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में मौजूद है। एक समय पर इस जगह को सैनिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज लोग इस जगह पर जाने से भी डरते हैं। इस जगह को भूतिया माना जाता है। रात के समय में आसमान में स्ट्रेंज लाइट्स यहाँ नजर आती हैं। रेडियो पर अजीबोगरीब सिग्नल्स कैच होते हैं। लोगों की चीखने की और फुसफुसाने की आवाज़ें कानों में सुनाई देती हैं, और रात को किसी भी समय यहाँ अचानक मौसम का मिजाज बदल जाता है। अचानक टेम्परेचर गिर जाता है और ठंड बढ़ने लगती है। पास में ही मौजूद आमिर आगाह गांव के लोग इस जगह को शापित मानते हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट को हॉन्टेड बताया है। यहाँ पर असल में कई सैनिकों का खून हुआ है, और ना जाने कितने सैनिकों को यहाँ दफनाया जा चुका है। अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के साथ अफगानिस्तानी सैनिकों ने यहाँ युद्ध किया है। एक बार अमेरिकी आर्मी ने कई अफगानिस्तानी रिबल्स को यहाँ पर जिंदा दफना दिया था। साल 2000 में जब उन लोगों की लाशों को बाहर निकाला गया, तो कुछ और कंकाल और अवशेष यहाँ पाए गए। ये अमेरिकी सेना द्वारा मारे गए लोगों की हड्डियां नहीं थी, बल्कि करीब 100 साल पुरानी थी। स्थानीय शख्स के मुताबिक साल 1740 तक यहाँ पर एक किला हुआ करता था। विभिन्न साम्राज्यों ने यहाँ पर रूल किया, यहाँ तक कि सिकंदर भी इस जगह पर आया था। बाद में पश्तून समुदाय के लोगों ने यहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाना शुरू कर दिया। साल 1980 में सोवियत संघ के सैनिकों के साथ अफगानी लड़ाकों की झड़प हुई थी, जिसमें 40 अफगान पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई थी, और उन लोगों को भी यहीं दफना दिया गया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स में डिस्टर्बेंस, अजीबोगरीब आवाजें और आसमान में चमकती लाइट्स जैसी चीजें अनुभव कर चुके हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इस जगह के आसपास भी जाना पसंद नहीं करते। जायंट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कई बार जायंट्स और विशाल मॉन्स्टर्स को देखे जाने की बातें सामने आ चुकी हैं। कई किस्से और कहानियां अफगानिस्तान में मशहूर हैं। इनमें जायंट ऑफ कंधार का किस्सा सबसे ज्यादा फेमस है। असल में एक बार अमेरिका की पेट्रोल आर्मी लापता हो जाती है।
उस आर्मी की टुकड़ी को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम कंधार के पहाड़ी इलाके में भेजी जाती है। ऑपरेशन के दौरान वो टीम एक गुफा के दरवाजे तक पहुंचती है। जैसे ही एक सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करता है, एक जायंट भाला लेकर बाहर आ जाता है और सैनिक की छाती से भाला आर पार कर देता है। उस जायंट को देखकर सैनिकों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो काफी ट्रेंड सोल्जर थे तो उन्होंने हार ना मानकर जायंट से लड़ने का फैसला किया। वो जायंट 15 फीट लंबा था, मस्कुलर बॉडी, लाल बाल और दाढ़ी के साथ वो काफी खतरनाक लग रहा था। अपनी बॉडी को जानवरों की खाल से कवर किया हुआ था और उसके दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां थी। दूसरी ओर अमेरिकी सैनिकों के पास भी आधुनिक हथियार और राइफल्स थी। जायंट ने जैसे ही हमला किया, सैनिकों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और कुछ ही मिनटों में वो ढेर हो गया। हेलीकॉप्टर से उस जायंट की बॉडी को एयरलिफ्ट करके ले जाया गया। इसके बाद उस बॉडी का क्या हुआ वो आज भी एक सीक्रेट बना हुआ है। सभी अमेरिकी सैनिकों से एक नॉन डिस्क्लोजर साइन कराया गया कि वो इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन बाद में एक रेडियो शो में रिटायर्ड सैनिक ने सारी पोल पट्टी खोल दी। जायंट ऑफ कुनार। कांधार के अलावा भी कई बार अफगानिस्तान में रहस्यमय ह्यूमन फिगर्स देखी जा चुकी हैं, जिन्हें जायंट्स का नाम दे दिया गया है। कुनार प्रोविंस में एक बार सैनिक गांव में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो घर घर जाकर ये देख रहे थे कि कहीं पर कोई असला बारूद तो नहीं रखा है। टीम लीडर नए दूरबीन से चारों ओर नजर रख रहा था कि तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर हो रही हलचल पर गई। पहले तो उसे लगा कि तालिबान के कुछ कमांडर वहां पर छुपे होंगे, लेकिन जब उसने दूरबीन को जूम करके देखा तो वहां पर 10 से 12 फीट का कोई इंसान था। उसे पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और ना ही उसने किसी को ये बात बताई। लेकिन कुछ समय बाद जब उसने जायंट ऑफ कंधार के बारे में सुना तो उसे यकीन हो गया कि उसकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था, उसने एक जायंट मॉन्स्टर को ही देखा था। बाइबल में इस तरह के जायंट ह्यूमन क्रिएचर को नेफलीम कहा गया है, जो स्वर्ग से धरती पर आए हुए हैं। इसके अलावा कभी ड्रोन सर्च ऑपरेशन में तो कभी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस तरह के जायंट्स कई बार अफगानिस्तान में देखे गए हैं। केव नेटवर्क ऑफ बामियान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कुछ दूरी पर बामियान नाम की एक जगह है, जहां पर गुफाओं का विशाल नेटवर्क बना हुआ है। ये जगह भी हिंदू कुश माउंटेन्स की घाटियों में ही मौजूद है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की दो प्रतिमाएं हुआ करती थी, एक की लंबाई 58 मीटर और दूसरी की लंबाई 37 मीटर थी। लेकिन साल 2001 में तालिबानियों ने मूर्तियों को इस्लाम विरोधी बताकर उसे तोड़ दिया। पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को ध्वस्त करने में ही तालिबानियों को 25 दिनों का समय लग गया था। रॉकेट लॉन्चर से तो इन मूर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये मूर्तियां 5th सेंचुरी के दौरान बनाई गई होंगी, ऐसा दावा किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यहाँ पर बौद्ध मठ हुआ करता था। बौद्ध संत यहाँ गुफाओं में रहते थे और यहीं पर मेडिटेशन भी किया करते थे। यहाँ पर कई गुफाओं में सील भी लगा दी गई है और उनका रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। यहाँ पर प्राचीन सभ्यता होने के अवशेष भी मौजूद हैं और उन लोगों के पास कौन कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी ये भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन गुफाओं के अंदर अब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तालिबानी सरकार अब बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को रिस्टोर करने का काम कर रही है, जिससे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और देश की थोड़ी आमदनी हो जाए। द अफगान स्फिनिक्स। गीजा के महान स्फिनिक्स के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन अफगान के स्फिनिक्स आज भी एक रहस्यमय पहेली बने हुए हैं। पहाड़ पर किसी स्फिनिक्स जैसी दिखाई देने वाली इस आकृति को पहले नेचुरल और कुदरत का करिश्मा समझा जाता था, लेकिन बाद में जब बारीकी से इस पर ध्यान दिया गया तो इसे मैनमेड करार दे दिया गया। ये स्ट्रक्चर भी बामियान वैली में ही बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले जुहाक नाम का एक शहर हुआ करता था। वो शहर एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा थी। उस सभ्यता के लोग अपने समय से काफी एडवांस और मॉडर्न थे और उन लोगों ने मिलकर अपने लीडर के लिए स्फिनिक्स तैयार किया था। आज भी इस स्फिनिक्स को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, हालांकि दूर से देखने में ये एक साधारण पहाड़ जैसा ही नजर आता है। द विमाना डिस्कवरी। साल 2012 में अफगानिस्तान में कुछ ऐसा मिला था जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी। बराक ओबामा, डेविड कैमरून और एंजेला मार्केल जैसे बड़े बड़े लीडर्स अचानक अफगानिस्तान पहुंचने लगे थे। असल में अफगानिस्तान की एक गुफा में एक एंशियंट विमान पाया गया था जो करीब 5000 साल पुराना था। वो कोई साधारण विमान नहीं था बल्कि काफी पावरफुल था।
उस विमान से टाइम ट्रेवल किया जा सकता था ऐसा माना जाता है। आकाश में और यहाँ तक कि स्पेस में भी उसकी मदद से भ्रमण किया जा सकता था। भारत में भी उस विमान की चर्चा हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि भारत से ही वो विमान अफगानिस्तान पहुंचा था। महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे विमान का वर्णन भी मिलता है। लंकापति रावण भी माँ सीता का हरण कर विमान में ही अपने साथ लंका लेकर गया था। वैमानिक शास्त्र में ऐसे विमान बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है। दुनिया के सभी बड़े लीडर्स की नजरें उस विमान को हथियाने पर थी। हैरानी की बात यह थी कि विमान की खोज में गए 8 अमेरिकी सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, अफगानिस्तान की इन सभी मिस्ट्रीज से पता चलता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन प्राचीन समय में यहाँ पर कुछ ऐसी सिविलाइजेशन जरूर रही होगी जिन्हें मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी आज के समय के इंसानों से अधिक रही होगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप इन डिस्कवरीज पर बिलीव करते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।